हेलो रेल फैंस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इनफाइनाइट ट्रेवलर रेलवे 360 डिग्री एडिशन। रेल फैंस दोस्तों, आज हम लोग एक जर्नी करने वाले हैं, शॉर्ट जर्नी फ्रॉम न्यू फरक्का जंक्शन टू मालदा टाउन जंक्शन। ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड दो स्टेशन है दोस्तों। ये फरक्का जंक्शन जो है, ये थोड़ा सिग्निफिकेंट जंक्शन है इन टर्म्स ऑफ इस लोकेशन। फरक्का जंक्शन ये साउथ बंगाल का लास्ट स्टॉपेज है, इसी के बाद आता है गंगा रिवर, और गंगा रिवर के बाद स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ बंगाल। मतलब अभी जो हम लोग ब्रिज क्रॉस करने वाले दोस्तों, इट इज़ द मेन कनेक्टिविटी सोर्स बिटवीन नॉर्थ बंगाल एंड साउथ बंगाल। जो आपका लिंक है फरक्का ब्रिज, यही मेन कनेक्टिविटी है, और इसी के बारे में थोड़ा अपडेट भी देंगे, क्योंकि एक नया ब्रिज बन रहा है, पैरेलल ब्रिज बन रहा है, बट दैट ब्रिज इज एक्सक्लूसिवली फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन, नॉट फॉर रेलवे। मतलब दोस्तों, एक पुराना ब्रिज है जिसमें से हम लोग जाएंगे, ये 1960s का है। रेल फैंस दोस्तों, आप लोग को गंगा नदी के बारे में बता दूँ, इसका ओरिजिनेट हुआ है गंगोत्री से, फिर आपका पूरा यूपी होके बनारस होके इलाहाबाद में यमुना से मिलता है, फिर बनारस से होके पटना होके ये ट्रेन, फिर ये जो रिवर है गंगा रिवर है, ये फरक्का तक आता है दोस्तों। यहाँ से राइट टर्न ले लेता है जो है, वो भागीरथी रिवर है और हुगली रिवर है, जो कलकत्ता के कलकत्ता जिस नदी के तट में बसा है, दैट इज़ द हुगली रिवर और भागीरथी रिवर है नदिया के, जो अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं दोस्तों। और ये जो रिवर जो हम लोग क्रॉस करने वाले, इट इज़ द मेन गंगा रिवर। जो हुगली रिवर या भागीरथी रिवर है, वो छोटा सा एक हिस्सा गया है गंगा नदी का, बाकी जो गंगा नदी का मेन हिस्सा है वो गंगा नदी, वो यहाँ से बांग्लादेश की तरफ चला जाता है, और बांग्लादेश से इसका नाम बदल जाता है पद्मा रिवर बोलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ, गंगा नदी का जो 1/4 भी नहीं, उससे भी कम हिस्सा जो वाटर है, वो साउथ बंगाल को जाता है, और कलकत्ता उसी नदी के तट पे है, वो नदी को हम लोग हुगली नाम देते हैं। और ये सीधा जा रहे दोस्तों, दिस इज़ द मेन गंगा रिवर। अभी ये रिवर ही बांग्लादेश घुसेगा, बांग्लादेश घुसने के बाद क्या होगा दोस्तों, इसका नाम पद्मा हो जाएगा। और आप लोग जैसे देख सकते थे कि यहाँ पे ये जो है ओल्ड ब्रिज है, वेरी वेरी ओल्ड ब्रिज, और जो बगल में जो नया ब्रिज बन रहा है, दैट इज़ द रोडवेज ब्रिज। यहाँ पे आपका ट्रेन का ब्रिज नहीं है, और ये जो डैम है फरक्का ब्रिज, ये पानी रोक के रखता है दोस्तों गर्मी के टाइम पे, जो इसीलिए हम लोग का हुगली रिवर या भागीरथी रिवर में पानी सरप्लस रहता है दोस्तों। ये फरक्का ब्रिज स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस ऑल्सो। यहाँ पे CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, इनका पहरा चलता है, ये पूरा ब्रिज को गार्ड करते हैं CISF। और बहुत मतलब हम लोग का बंगाल का नॉर्थ बंगाल नॉर्थ ईस्टर्न कनेक्टिविटी का वन ऑफ द मेजर ब्रिज है दोस्तों। और ये जो नया बगल में ब्रिज बन रहा है, ये भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद एक मतलब रोडवेज का ब्रिज वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ज़्यादातर रोडवेज बस वगैरह वहाँ से जाएगा, ट्रक वगैरह। और ये जो ब्रिज है, ये आपका थोड़ा बस रूट के लिए रहेगा, क्योंकि फरक्का बैरेज और फरक्का NTPC का कनेक्टिविटी वहाँ से थोड़ा ख़राब है, वो बाईपास टाइप का होगा दोस्तों। जो भी कार या बस फरक्का जिसको नहीं रुकना है, वो सीधा निकल जाएगा। जिसको बाईपास फरक्का होके जाना है, फरक्का से पैसेंजर उठाना है या फरक्का में पैसेंजर उतारना है, वो ये जो ओल्ड ब्रिज है, यहाँ से ही जाएगा दोस्तों। रेलफैन दोस्तों, ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के, हिस्टोरिकल ब्रिज है। पहले मेरे फादर जब छोटे थे, वो बताते थे जब ये ब्रिज नहीं बना था, तब लोग वहाँ तक आते थे, फरक्का के उस पर आते थे, तो 14 माइल बोलते हम लोग वहाँ तक आते थे, वहाँ से शिप बगड़ा जाता था, शिप वगैरह में छोटा छोटा बस लेके उस पार कर जाता था, फिर वहाँ से फिर साउथ बंगाल की कनेक्टिविटी। मतलब आप सोच सकते हैं, नॉर्थ बंगाल वॉज टोटली डिटैच्ड फ्रॉम साउथ बंगाल। ये ब्रिज सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं प्रदान करते दोस्तों, इसका पानी रोकने का क्षमता है। ये ब्रिज गर्मी में पानी रोकता है, जो इरीगेशन में काम आता है हम लोग इंडिया में, और बांग्लादेश को भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है, क्योंकि सरप्लस वाटर वहाँ पे अगर बार बार आ जाता है, तो यहाँ से पानी यहाँ पे पानी रोक दिया जाता है दोस्तों। ये दोनों कंट्री का इंडस्ट्री से बना है। अब देख सकते थे बगल में नया पुल बन रहा है, नया ब्रिज, बहुत बढ़िया ब्रिज बनेगा दोस्तों। रोड बहुत बढ़िया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, बाईपास फरक्का ब्रिज है,
S34 का ही पार्ट है। और रेल फैन दोस्तों, कुछ अधूरे हिस्ट्री बुक पढ़ने वाले कुछ लोग और स्पेशली कुछ बांग्लादेशी लोग का एक मिथ है कि ये बैरेज, ये ब्रिज बनाया गया है ब्रिटिश एरा में, बट टोटली ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ये 1960s में बना है, वो भी हम लोग का देसी इंजीनियर लोग ही बनाया है। दोस्तों हम लोग का इंजीनियर बहुत कैपेबल है, उन इंजीनियर को भी मेरा सैल्यूट। हालांकि कुछ करप्शन वगैरह नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, करप्शन वगैरह है इसीलिए कुछ ब्रिज पुल गिर जाता है। अभी बिहार में कुछ दिन पहले कोई पुल गिर गया था, बट हम लोग का फ़र्क का ब्रिज एक एग्जांपल है कि हम लोग का इंडियन इंजीनियर भी एक मार्वलस काम कर सकता है। गिवन दैट आप उनको फुल अपॉर्चुनिटी दो, फुल फ्रीडम दो और प्रायोरिटी दो काम का। दोस्तों इसी के साथ हम लोग फर्क ब्रिज को क्रॉस कर चुके हैं। अभी इसका स्पीड बहुत कम है पानी का, बरसात के टाइम में पानी बहुत भर जाता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं बगल में NH34 चकाचक एकदम NH34, बहुत अच्छा ट्रैफिक होता है। मेन हाईवे कनेक्टिंग नॉर्थ बंगाल एंड साउथ बंगाल, जितने भी बस ट्रक कलकत्ता से या आसनसोल दुर्गापुर से सिलीगुड़ी तक जाएगा, ये ब्रिज होके ही क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग नॉर्थ बंगाल पहुंच चुके हैं दोस्तों, दिस इज़ ज्योग्राफिकली नॉर्थ बंगाल दोस्तों। जैसे हम लोग फरक का क्रॉस करते हैं, मालदा आ गया, मालदा डिस्ट्रिक्ट, दिस इज़ ज्योग्राफिकली नॉर्थ बंगाल। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हरियाली है, कितना ज़्यादा पेड़ पौधे हैं दोस्तों इस साइड में। मालदा और नॉर्थ में रायगंज बालूरघाट इस साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे आपको दिखेगा दोस्तों। और डुअर्स और फिर तराई ये सब छोड़ ही दीजिए, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार, कोचबिहार तो अलग ही सुंदर है। बट ये जो मालदा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से आपको थोड़ा क्लाइमेट चेंज दिखेगा, थोड़ा हरियाली ज़्यादा दिखेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी भी तुलना से कम है थोड़ा। जैसे हम लोग कलकत्ता साइड में जब रहते हैं वहाँ पे ट्रैक के बगल में झोपड़ झपट्टी देखते हैं बहुत सारा, बट यहाँ पे आपको इतना नहीं दिखेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा कम है। सामने से एक WAP-7 इंजन दिख रहा है, देखते हैं कौन सा लोकेशन का है। रेल फैंस दोस्तों, दिस इज़ WAP-7 फ्रॉम लाला गुडवा लोको शेड। दोस्तों लाला गुडवा लोको शेड से ये WAP-7 और ये ट्रेन देखते हैं दोस्तों। ये शायद कामाख्या पुरी है दोस्तों, कामाख्या पुरी एक्सप्रेस। हेलो रेल फैंस, दिस इज़ कामाख्या पुरी एक्सप्रेस विद लाला गुडवा WAP-7। मेरे सामने भी एक भाई वीडियो बना रहा है, हालांकि मैं उनको नहीं जानता हूँ, बट मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। जैसे ही हम लोग फरक का सीढ़ी पार कर रहे थे, भाई आके मुझे बोले कि थोड़ा साइड दीजिए गेट पे, हम भी वीडियो बनाएंगे। मैं उनको समझा नहीं पाया, मैं लाइक था, मैंने उनको बोला कि आप दूसरे गेट पर चले जाओ, ये लोकल ट्रेन है, नहीं हो पाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग जो वीडियो भी करते हैं ये इंश्योर करते हैं कि हम जिंदा बचे अपलोड करने के लिए वीडियो। तो जैसे वीडियो बनाएंगे तो दोनों रॉड पकड़ के हम लोग को बनाना पड़ता है, और पता नहीं कब स्पीड बढ़ जाए, कम हो जाए, और फरक का ब्रिज इतना गंदा में थोड़ा रिस्क हो जाता है। इसीलिए मैं उनको थोड़ा बोला कि आप दूसरे गेट पे चले जाओ, अगर कभी ये वीडियो उनके पास पहुँचे तो
आई एम सॉरी ब्रदर विल गेट हर्ट बाई माई वर्ड्स ओके मेरा इंटेंशन आपको भगाना नहीं था मेरा इंटेंशन था हम दोनों ही सेफली ब्लॉगिंग कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे वी टू रिटर्न टू आवर होम टू आवर नियर एंड डियर वंस तो कामाख्या एक्सप्रेस क्रॉस कर रहे हैं अभी और ये ट्रेन पूरी तक जाएगी दो टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कनेक्ट करते हैं ट्रेन दैट इज़ कामाख्या इन द आसाम नियर गुवाहाटी एंड पूरी यू नो फेमस फॉर जगन्नाथ टेम्पल एंड द सी बीचेस तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ ये वीडियो शूट किया गया था अराउंड दिसंबर मंथ ये जो वीडियो है दिसंबर में मंथ के 26-27 तक है तो आपको दिखेगा वंदे साधारण अमृत भारत मालडा टाउन एस एम डी टी बैंगलोर अमृत भारत एक्सप्रेस हालांकि दिसंबर 24-25 तारीख तक ये वीडियो बन रहा है तो ये ट्रायल रन चल रहा है ये अमृत भारत का ट्रायल रन चल रहा है ठीक है दोस्तों क्या शानदार कार है आप देखिए मैं थोड़ा जूम किया हूँ आप देख लीजिए कितना शानदार कार है हम लोग पुल क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों कोई नदी नहीं छोटा छोटा झील टाइप का कुछ है कोई सिग्निफिकेंट नदी नहीं है कोई बड़ा नदी नहीं है झील टाइप का है
WAP4 Howrah is approaching towards us. तो एक इंजन आ रहा है WP4 Howrah, देखते हैं कौन सा ट्रेन को ड्रैग कर रहे हैं। रेल फैन दोस्तों, एज फॉर द टाइम टेबल मुझे जो दिख रहा है ये शायद हल्दीबारी ट्राई क्लिकर इंजन है, जो हल्दीबारी जलपाईगुड़ी से कोलकाता चित्रकूट स्टेशन तक जाती है। इसका स्टेशन खोल के वो हल्दीबारी से कोलकाता तक जाती है दोस्तों, ये ट्रेन ये ट्राई वीकली चलते हैं कोलकाता हल्दीबारी ट्राई वीकली। हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये हल्दीबारी पैसेंजर हो गया, तेभागा एक्सप्रेस हो गया, ये सब ट्रेन जल्दी LHB5 मिलेगा हम लोगों को, कांचन कन्या एक्सप्रेस हो गया, ये सब ट्रेनों का LHBification बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये लॉन्ग रूट वाला ट्रेन है। और तेभागा एक्सप्रेस तो बहुत फास्ट चलते दोस्तों, फिर भी पता नहीं कब इसको LHB मिलेगा दोस्तों। दोस्तों इसके साथ हम लोग कालतीपुर स्टेशन में पहुंचने वाले हैं दोस्तों। मोस्टली जो लोग साउथ बंगाल में रहते हैं दोस्तों, वो लोग यहाँ पे आके शॉक हो जाएंगे, यहाँ पे भीड़ बहुत कम है दोस्तों, पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा कम है इस साइड में, तो शॉक हो जाएंगे कि मालदा में भी इतना कम पॉपुलेशन। दोस्तों 49192 WDG4G एक ट्रेन आ रहा है। WDG4G ये रोजा डीजल से है दोस्तों,
कंटेनर फिर ट्रेन को खींच रहे हैं। दोस्तों कुछ देरी से हम लोग का ट्रेन बहुत स्लो चल रहा है, मुझे लग रहा था कोई क्वेश्चन होगा सामने, तो वैसे ही है एक्चुअली। हम लोग का कुछ रेल वर्कर भाई लोग काम कर रहे हैं ट्रैक में, ट्रैक का मेंटेनेंस का टाइम आ रहा है हो रहा है, इसलिए ट्रेन का स्पीड बहुत बहुत स्लो कर दिया गया दोस्तों। तो देख सकते हैं जो ट्रैक काटने वाला मशीन से कुछ लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं ट्रैक का, इसीलिए ट्रेन का स्पीड बहुत कम है। जैसे ही हम लोग का ट्रेन इस एरिया को क्रॉस कर जाएगा स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। रेल फ्रेंड दोस्तों इसी के साथ हम लोग जमीर घाटा स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। अब देख सकते हैं एकदम सुनसान वाला स्टेशन है, कोई भीड़ नहीं है दोस्तों, एकदम खाली पड़ा है स्टेशन। रेल फेंडिंग के लिए आदर्श जगह है दोस्तों। इसी दिन मेरा पोस्टिंग अगर मालदा डिस्ट्रिक्ट में हो गया मैं यहाँ आऊँगा वीडियो वीडियो बनाने। रेल फ्रेंड दोस्तों जमीर घाटा स्टेशन से हम लोग का ट्रेन स्किप कर चुका है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कार है दोस्तों, पूरा सिंगल ग्रीन था, हम लोग को कितना अच्छा कार मिला दोस्तों। और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं शायद गौर मालदा। गौर एक हिस्टोरिकल प्लेस है दोस्तों, मालदा का जो किंग है गौर ने उसका साम्राज्य था, गौर यूज्ड टू बी लाइक किंगडम, हेड किंगडम ऑफ दिस रीजन। गौर का राजा, उसका महल था, मस्जिद वगैरह है वहाँ पर, गौर का गौर मस्जिद, गौर किंगडम का। और पूरा एरिया इज सराउंडेड बाई पॉन्ड्स। पॉन्ड्स क्या होता है, जो राजा लोग अपने महल के चारों तरफ पॉन्ड्स बना देते थे, तालाब को उसको खोद देते थे ताकि दुश्मन अटैक ना कर पाए इजीली अपने उनके फोर्ट तक। तो गौर आप लोग आइए मल्ला वेस्ट बंगाल नॉर्थ बंगाल में, तो गौर आप जरूर विजिट कीजिए। गौर बहुत मतलब अच्छा फेमस हिस्टोरिकल जगह है।
तो जब मालदा स्टेशन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो गोद में ट्रेन रोक देते हैं। गोद इज़ वन सॉर्ट ऑफ हॉल्ट स्टेशन बिफोर मालदा टाउन व्हाइल यू आर गोइंग फ्रॉम कोलकाता टू मालदा दिस साइड, बट व्हाइल यू आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ बंगाल एंड यू आर एंटरिंग मालदा, ओल्ड मालदा एंड आदिना यूज्ड टू बी द हॉल्ट स्टेशन। यहाँ देख सकते हैं हम लोग के बगल में मालगाड़ी भी हॉल्टेड है। दोस्तों WDG 4 एक डीजल लोकोमोटिव खींच रहा है गुड्स ट्रेन को। मुझे मालूम नहीं है डीजल लोकोमोटिव कहाँ चलता है क्योंकि बालूरघाट रूट भी इलेक्ट्रीफाइड है पूरा और नॉर्थ बंगाल रूट भी इलेक्ट्रीफाइड है। मोस्टली रायगंज रूट मुझे आइडिया नहीं है रायगंज रातिकापुर रूट इलेक्ट्रीफाइड है कि नहीं। कोई रेल फैंस मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करना रायगंज साइड में भी इलेक्ट्रीफिकेशन हुआ है कि नहीं। आज करीब 25 दिसंबर 2023 है दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम। वीडियो शायद बाद में अपलोड होगा बट रिकॉर्ड अभी हो रहा है। फैंस दोस्तों हरियाली थोड़ा कम होता रहेगा अभी और कंक्रीट जंगल बिल्डिंग्स वगैरह दिखेगा ज़्यादा, मतलब हम लोग धीरे धीरे अर्बन एरिया मतलब मालदा एरिया में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा है बिल्डिंग वगैरह डेवलप हुआ है। रीजन बीइंग NH 34 जस्ट इसके बगल में ही है। मतलब थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम फरक्का टू मालदा हम लोग NH 34 के पैरेलली बगल में ही चल रहे हैं। ट्रैक से हाईवे ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, मालदा टाउन और फरक्का के बीच में ट्रैक के बगल में ही हाईवे रहता है। करीब 100 मीटर 200 मीटर के रेंज में रहता है। ठीक है, तो बगल में आप देख सकते हैं बढ़िया बढ़िया होटल वगैरह है, लॉजेस लॉज वगैरह है एंड नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का डिपो भी है और नौगौर महाविद्यालय गौर विश्वविद्यालय गौर यूनिवर्सिटी बोल यूनिवर्सिटी है मालदा का जो गौर राजा में बोला गौर किंगडम, तो गौर यूनिवर्सिटी है वो भी हम लोग राइट में ही है इसी रीजन में जो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जैसे वीडियो ऑल ओवर इंडिया से देखा जाता है तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि बंगाल में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है सरकारी सेवेंटी बिल्डिंग है उसका कलर ब्लू वाइट नील सादा किया जाता है दोस्तों। ये गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है मालूम डिटेल्स में ये जो राइट में बिल्डिंग दिख रहा है दोस्तों किसी मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जैसे मेडिकल कॉलेज फॉर्म हुआ है जस्ट हम लोग के बगल से ही दोस्तों नेशनल हाईवे 34 का एक्सटेंशन गया है और मेन बाईपास तो मालदा टाउन के बाहर से अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है, वहाँ से ट्रक वगैरह जाता है दोस्तों। और जो भी पैसेंजर व्हीकल है या जिनको मालदा में ही रुकना है उतरना है जाना है वो मेन मालदा टाउन में इंटर करते हैं और जिनको 2 and 4 जाना है सपोज कोई कलकत्ता से सिलीगुड़ी जाएगा वो मालदा टाउन इंटर करना या नहीं वो मालदा टाउन बाईपास से चला जाएगा। ठीक है, ये जो आपको ऊपर ओवर ब्रिज दिख रहा है बाएं तरफ जा रहा है दोस्तों रोतवा मानिक चक और दाएं तरफ तो मालदा टाउन एंटर कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग मालदा टाउन के आउटर में हैं अभी और कुछ ही देर में हम लोग मालदा टाउन जो कि स्ट्रेटजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, मालदा डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन भी बहुत हाई है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को सर्व किया जाता है। यहाँ पे आपका दो दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट दक्षिण दिनाजपुर उत्तर दिनाजपुर वाले लोग भी आते हैं ट्रेन बोर्ड करने अलग अलग ट्रेन जो दिल्ली को जाता है फरक एक्सप्रेस हो गया या फिर बैंगलोर ऐसी निकली बैंगलोर अभी अमृत भाग स्टार्ट होने वाला है इसमें वो हो गया जितने भी ट्रेन हैं तो पूरा दो दिनाजपुर और मालदा दोनों को सर्व करता है। यहाँ से कटिहार ज़्यादा दूर नहीं है बिहार ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों तो बिहार से भी लोग आते हैं ट्रेन बोर्ड करने मालदा टाउन तो मालदा टाउन एकदम बंगाल का मिडिल पॉइंट है मिडिल पॉइंट बिटवीन सिलीगुड़ी द सेकेंड कैपिटल ऑफ बंगाल एंड कलकत्ता द मेन कैपिटल ऑफ बंगाल, दोनों के बीच में इम्पोर्टेंट टर्मिनल है इम्पोर्टेंट मिडिल पॉइंट है मालदा टाउन।
इसी के साथ दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट मालदा टाउन पहुंच चुके हैं। ये मालदा टाउन काफ़ी डेवलप किया है लास्ट कुछ सालों में, 20 सालों में। और राइट साइड में देखिए तो ठीक राइट साइड में आप देख सकते हैं पैंडल बना हुआ है, ये रेलवे वंदे भारत जो वंदे साधारण ट्रेन है अमृत भारत उसका इनोग्रेशन के लिए है। दोस्तों कॉमेडी वीडियो जोक्स वीडियो बहुत लाइक करते हैं, बट हम लोग जो लाइफ रिस्क लेके गेट पे लटक के वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ इसको थोड़ा एक्नॉलेज कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।